राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एट्रोसिटी एक्ट, जिसको SC/ST एक्ट 1989 भी कहा जाता है, हिंदी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहा जाता है। तो तीन चार पांच नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जैसे SC/ST एक्ट 1989 भी कहा जाता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहा जाता है, एट्रोसिटी एक्ट भी कहा जाता है, और इसी को एक शब्द और भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि प्रतिबंधित है, बोलना गलत है, अपराध बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पज से, हमारे बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जात के वर्ग के व्यक्ति हैं जिनको इस तरह के नाम नहीं पता है, तो वो इसे हरिजन एक्ट के नाम से भी सर्च करते हैं। तो इस एक्ट को हरिजन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसको हरिजन बनाम सवर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसकी दो धारा 3(1)(r) और 3(1)(s), ठीक है, यानी सेक्शन 3(1)(r) और 3(1)(s) क्या है, बहुत फेमस धारा है ये। अक्सर कभी भी अगर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो ये दो धारा आपको जरूर मिलेगी। कभी कहीं भी अगर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है तो ये दो धाराएं आपको जरूर देखने के लिए मिलती हैं। अब आपको करना क्या है कि जब भी ये दो धारा आपके लगी हो तो आप क्या समझेंगे कि है क्या ये दो धाराएं, ठीक है। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, इनके दोनों पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा, जिस पे लगाया गया है उसके पक्ष में भी और जिसने लगाया है उसके पक्ष में भी। तो दोनों के पक्ष की बात करूंगा, दोनों के विरुद्ध की भी बात करूंगा। सबसे पहले याद रखिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पे झूठा मुकदमा ना दर्ज करे, किसी के भड़कावे में आके, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के प्रलोभन में आकर के, किसी के लालच में आकर के किसी भी व्यक्ति पे फर्जी मुकदमा ना दर्ज कराए। और जितना बन रहा है, जितना अगले ने गलत किया है उतने के लिए ही मुकदमा दर्ज कराए, किसी को अनावश्यक रूप से परेशान ना करे। दूसरी बात, अगर किसी ने गलत किया भी है, ठीक है, तो उस पर मुकदमा दर्ज भी कराया जाना चाहिए। अगर गलत किया है तो दंड का पात्र है, गलत नहीं किया है तो उसे अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जो वीडियो बनाया गया है, ठीक है, संपूर्ण जानकारी इसमें आपको दिया गया है, कंप्लीट जानकारी। और आप इस चैनल पे देखेंगे, जिस चैनल को आप लोग देख रहे हैं राजेश ला सेंटर, कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी इस पे, आधा अधूरा ज्ञान नहीं, विद प्रोविजन भी मैंने बताया कि ये बात यहां लिखी हुई। और इतना ही नहीं, अगर इसके बाद भी आपको कोई बात समझ में ना आए तो तुरंत आप फोन उठाइए और इस नंबर पे संपर्क करिए और आप अपनी समस्या का समाधान पाइए। तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, वो भी केवल SC/ST से जुड़ा हुआ नहीं, लॉ से जुड़ा हुआ, कानून से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव, आप चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, राजस्व संहिता का मामला हो, फैमिली मैटर हो, ठीक है, क्रिमिनल मैटर हो, आप किसी भी टॉपिक पे सुझाव अपना ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, इस एक्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ये धारा कब लगाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये SC/ST एक्ट OBC और सामान्य वर्ग पे ही लगाई जाती है और ये SC/ST के द्वारा लगवाई जाती है। अगर किसी SC/ST यानी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, खुद अपने ही लोगों के यानी SC/ST ने SC/ST को ही मारा पीटा गाली गलौज दिया है तो ये धारा नहीं लगती है, वहां केवल IPC लगती है। लेकिन जब किसी OBC या सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने किसी SC/ST को या SC/ST को ही केवल कोई अब उसके खिलाफ कोई गाली गलौज मारपीट धमकी दी है तब ये धारा लगती है। तो कुल मिला के ये OBC या सामान्य वर्ग के विरुद्ध धारा लगाई जाती है और SC/ST के द्वारा लगाई जाती है या उसके पक्ष में धारा लगाई जाती है। कब ये लगाई जाती है, सर लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पे, यानी दोनों धारा तभी किसी पे लगती है जब वो कार्य ऐसे स्थान पे किया गया हो जो लोक दृष्टि में आता हो। लोक दृष्टि का मतलब है कि लोगों की नजर में वो स्थान आ रहा हो, जहां पे वो गाली गलौज या मारपीट हुआ है, लोग वहां से देख रहे हो, वहां तक लोग देख रहे हो, देख पा रहे हो। बंद कमरे में मारपीट होता तो कोई नहीं देख सकता है,
ठीक है, लेकिन अगर और लोग उसे देख सकते हैं, जैसे दरवाजे पे हो रहा है, सहन में हो रहा है, घर के सामने हो रहा है, पीछे हो रहा है, खेत में हो रहा है, ठीक है, बाग बगीचे में हो रहा है, रोड पे हो रहा है, सड़क पे हो रहा है, रेलवे स्थान पे, बस अड्डे पे, कहीं पे हो रहा है, तो आदमी वहां देख सकता है। ठीक है, घर में भी, यहाँ तक कि भी अगर हो रहा है, आपका घर खुला हुआ है, ठीक है, आसपास के बगल के लोग देख रहे हैं, तो वो भी लोक दृष्टि में आने वाला स्थान माना जाता है। तो लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पे जब हम किसी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति को अपमानित करते हैं, क्या करते हैं, अपमानित करते हैं या धमकी देते हैं किसी अपराध को करने के लिए, उसको जान से मार देने के लिए, उसकी संपत्ति को चुराने के लिए, उसके जानवरों को मारने के लिए, उसके घर को जलाने के लिए, कोई संपत्ति हड़पने के लिए, उसको कहीं ना जाने देने के लिए, तब ये धारा 3(1)(r) लगती है, 3(1)(r) लगती है, जिसको हिंदी में 3(1)(d) के नाम से, 3(1)(d) के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर मैं कहूंगा आप लोग वीडियो को देखते रहते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कर दिया करिए, कमेंट करने में कोई टाइम नहीं लगता है, मात्र 15 से 20 सेकंड का काम है, आप कमेंट कर दिया करिए, चैनल को आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता आए, लोग फर्जी एफआईआर से बचे, ठीक है, लोग इस तरह के अपराध ना करें, और अगर किसी के खिलाफ अपराध हो रहा है तो उसे उपचार भी मिले। दूसरी धारा है 3(1)(s). 3(1)(s) कब लगती है, जब ये लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पे गाली गलौज किया जाता है, यानी उस अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के साथ गाली गलौज किया जाता है, ये अलग की बात है, वो भी गाली दे रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी गाली दें, वो भी गाली दे रहा है तो भी धारा आपके लगेगा, अगर आपने भी गाली दिया है तो जब गाली किस लिए दे रहे हैं, ये उस व्यक्ति को गाली दे, अनुसूचित जाति या जनजाति नाम के व्यक्ति के नाम से गाली दे रहे हूँ, जात के नाम से गाली दे रहे हूँ, जात सोचे गाली दे रहे हूँ, या उसको कोई भी गाली दे रहे हूँ, लेकिन ये जानते हुए कि वो SC ST वर्ग का व्यक्ति इसलिए गाली दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसने सामान्य ओबीसी का कोई व्यक्ति जिसने उसे धमकी दी, गाली गलौज किया, अपमानित किया, अगर उसे ये नहीं पता था कि वो SC ST वर्ग से व्यक्ति आता है तो ये धारा नहीं लगती है। जैसे किसी पब्लिक प्लेस पे कहीं पे गाड़ी आपस में लड़ गई, कोई भी बात को लेकर तकरार हो गया, दुकान पे कोई तकरार हो गई किसी बात को लेकर के, और वहां पे बहस हो गया, एक दूसरे ने गाली दिया, एक दूसरे को मार देने की धमकी दी गई, देख लेने की धमकी दी गई, लेकिन ये नहीं पता था कौन किस वर्ग का है, तो जब हमें ये नहीं पता कि वो SC ST वर्ग का व्यक्ति है, तो वहां पे भले उसको मारा पीटा गया हो, गाली गलौज की गई हो, धमकी दी गई हो, लेकिन वहां पे SC ST Act का मुकदमा नहीं लगाया जाना चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, अब व्यवहार में अगर थानेदार या थाने का भाषा तक अधिकारी या ऊपर के थाटे आदेश कर दे लगाने के लिए, तो वो सरासर गलत है, या तो उन्हें प्रोविजन की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, या तो फिर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये धारा तभी लगती है जब अगला व्यक्ति ये जान रहा हो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का व्यक्ति, अगर उसको नहीं पता पब्लिक प्लेस पे मारपीट हो गई, गाली लड़ गई, ठीक है, तो वो अनुसूचित जाति या जनजाति के वजह से आपको गाली नहीं दिया, बल्कि वहां कोई भी व्यक्ति होता और गाली लड़ती तो उसको भी गाली दे देता, तो केवल सामान्य धारा जो गाली गलौज की होती है 504 IPC की, वही चलनी चाहिए, SC ST Act वहां नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि ये व्यक्ति इसी समुदाय का, फिर भी उसको इसलिए अपमानित कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तब ये धाराएं लगती है। तो अगर 3(1)(s) तब लगती है जब गाली गलौज हुआ हो उसके साथ, और 3(1)(r)(3)(1)(r) तब लगती है जब उसे अपमानित किया गया हो, उसे धमकी दी गई हो भविष्य में उसके साथ कोई अपराध करने के लिए, या किसी भी तरह की कोई धमकी दी गई हो, तब 3(1)(r) लगता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि 3(1)(r) 3(1)(s) कब लगता है। हाँ, ये धारा कभी भी सेपरेट नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर ये धारा लगी है तो IPC की धारा 504, 506 और 323 इतनी धारा कम से कम लगती है, कभी कभी ये और भी धाराएं इसमें कुछ बढ़ जाती हैं। तो 323, 504, 506 क्या है, इस पे भी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने यहाँ पे दो धारा तो बता दी, लेकिन 323 और 504, 506 क्या है उसको भी बता दीजिए, मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा, अलग से वीडियो उस पर लेकर के आऊंगा, तब आप लोगों को उसको समझा दूंगा। एक साथ हम 3(1)(r), 3(1)(r), 3(1)(s) या 3(1)(d) और 3(1)(d), 323, 504, 506 पे एक वीडियो कंप्लीट लेकर के आऊंगा, उसको भी आपको अलग से समझाऊंगा।
और जो बातें यहाँ लिखी हैं यही सही है, इसके अलावा कुछ और सही नहीं है। अगर इसके अलावा भी कोई बात कहता नहीं ये नहीं गलत है तो वो साबित करे कि ये गलत लिखा हुआ है, गलत बताया गया। तो आप लोग ये धारा जब भी दर्ज होती है SC ST की तो इसमें 1,00,000 रुपए तक की राहत राशि भी पीड़ित व्यक्ति को दिलाया जाता है, ठीक है। और वो 1,00,000 रुपया 3 किस्तों में दी जाती है, जब FIR दर्ज होती है तो 25,000 रुपया, जब चार्जशीट कोर्ट में या आरोप पत्र कोर्ट में या पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाता है तब 50,000 रुपए, और जब आरोपी को दोषी ठहराया जाता है कोर्ट में सजा दी जाती है तब शेष 25,000 रुपया फिर दे दिया जाता है। अब ये पैसा कैसे दिया जाता है, इसकी मांग किससे करें, कितने दिन के भीतर करें, नहीं मिलने पे क्या करें, तो इसके लिए अलग से इस चैनल पे सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब दूसरी बात कि ये धारा लगने पे कितनी सजा दी जाती है कम से कम, तो कम से कम सजा अगर दोषी हो गया तो 6 महीने की सजा उसे जरूर दी जाती है। कितनी सजा, 6 माह की सजा जरूर दी जाती है, जो 5 साल तक भी दिया जा सकता है लेकिन कम से कम 6 महीने जरूर दिया जाएगा, और जुर्माना जरूर आरोपित किया जाएगा, जुर्माना भी आपको देना होगा, जेल भी जाना होगा, जुर्माना भी देना होगा। दूसरा, ये धारा केवल अगर लगी है 3(1)R, 3(1)S तो बेल आसानी से हो जाता है, बाहर से भी जमानत हो जाती है, लेकिन SC ST Act लगने पे अग्रिम जमानत आपको नहीं मिल सकती, ध्यान रखिएगा। गिरफ्तारी पे रोक हो सकती है लेकिन अग्रिम जमानत आपको नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, अगर कोई बात लगती है कि कुछ कमी रही है, अधूरा रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये बात छूटी, इसको अलग से वीडियो बना के बता दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, अपने लोगों को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे इसका मिसयूज और इसका मिसयूज ना होने पाए, इसका बराबर सदुपयोग होता रहे। अब अगर किसी व्यक्ति पे फर्जी ये धारा लगाई गई है तो वो ये साबित करे कि साहब वो ये नहीं जान रहा था कि वो व्यक्ति SC ST समुदाय का है, वो ये नहीं वो किसी लोक स्थान पे उसको इस तरह का शब्द नहीं बोला है जो लोक दृष्टि मानने वाले स्थान पे ऐसा शब्द नहीं बोला है, दूसरा ये धारा जो लगाई गई है ये फर्जी लगाई गई है, उसने ऐसा कोई शब्द बोला नहीं, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये फर्जी FIR है, ठीक है। हाँ, एक बार अगर धाराएं लग जाती हैं तो व्यक्ति को परेशान जरूर होना पड़ता है, ठीक है, और इसी में अच्छा खासा बीच में बिचौलिए लोग माला माल हो जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको बहुत सारे विषयों पे, फैमिली मैटर हो गया, पारिवारिक मामला हो गया, क्रूरता का मामला हो गया, घरेलू हिंसा का मामला हो गया, उत्तराधिकार का मामला हो गया, हर एक विषय पे आपको वीडियो अपलोड करके डाला जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आपका अधिक से अधिक फायदा।